बिहार की नंबर वन एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल्को एलईडी लाइट्स स्मार्ट एंड ब्राइट कॉन्टैक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की है। हर वर्ष की भांति मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया बनाकर खाली मैदान में जाते हैं और लाठी डंडे से आपस में खेलकर अपना कला को प्रदर्शन करते हैं। मुहर्रम खेल में आए कुछ लोगों ने बताया कि आज के ही दिन करबला के मैदान में मोहम्मद इमाम हुसैन साहब नमाज पढ़ते हुए सजदा करते हुए और उस समय यसुदी जजीज ने अपना दल बल के साथ मिलकर इमाम हुसैन साहब और उनके परिवार की हत्या कर दी थी। उसी को लेकर आज के दिन हम लोग मैयत मनाते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि 90% लोग मैयत मनाते हैं और जानकारी के अभाव में 10% लोग तजिया बनाकर खाली मैदान में लाठी डंडे खेलते हैं। निधि सिंह के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। पर्व लाठी चला रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, ये पर्व क्यों मनाया जाता है? आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन शहादत की दिन है। अच्छा। आज के दिन ही हमारे मतलब जो है कि हसन और हुसैन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती इमाम हुसैन और हसन, ये दोनों का सर कलम किया गया था। किसने किया था सर कलम? अहदियों ने किया था सर कलम। कौन? काफिर अहदियों ने सर कलम किया था। नाम क्या था? जजीर। क्या नाम था? जजीर था। हाँ। और इमाम हुसैन क्या कर रहे थे उस टाइम में? इमाम हुसैन अपने नाना को दीन के बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। इमाम हुसैन अपने नाना के दीन को बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे और उसमें वो शहीद हो गए। वो तो इमाम हुसैन तब से ही हम लोग जो उसी के याद में इमाम हुसैन तो नमाज पढ़ रहे थे, सजदा कर रहे थे ना, जिस टाइम में उनको मारा गया था। जिस समय मतलब जो उसको मारा गया, जब तक वो नमाज का वक्त नहीं होता तो वो मार नहीं खाता, अकेला ही सब पे भारी था वो। अच्छा। उसे धोखे से मारा गया। उसको धोखे से मारा गया। तो धोखे से किसने मारा? अहदियों ने मारा, जजीद ने मारा था मारा। वो भी तो मुसलमान ही थे। हाँ, मुसलमान ही थे वो भी। मुसलमान ही थे वो भी। ईमान नहीं लाए थे वो। अच्छा। ईमान लाए हुए। आज के दिन जो इमाम हुसैन मरे थे तो आज के दिन क्या मनाना चाहिए? गम मना रहे हैं या खुशी? आज के दिन गम मनाना चाहिए। तो गम में तो फिर आप लोग देख रहे हैं, तजिया निकाल के लाठी जुलूस खेल रहे हैं, तो ये गम हुआ या खुशी हुआ? सब फिरका का आदमी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है एकदम 90% आदमी इसके खिलाफ है और 10% ही आदमी उसपे है शामिल, समझ गए? तू भी धीरे धीरे बंद, पहले कितना तजिया आता था, 100-200 तजिया आता था, अब एक और दो को तजिया आता है, धीरे धीरे ये भी सिला खत्म होता है। गम मनाना सब सीख जाए, जैसे इल्म बढ़ते गया और सब कुछ हटता ही गया। वही हमारा कहना है, आज के दिन जब गम मनाते हैं तो गम के दिन तो आपको तजिया निकाल के लाठी जुलूस नहीं निकालना चाहिए ना, ये तो गलत है। कौन नाम हुआ आपका? कहाँ घर है आपका? आज के दिन जो ये लोग तजिया निकाले हैं और ये जुलूस चल रहा है, लाठी वाला मतलब खेल चल रहा है, आज के दिन क्या हुआ था जो ऐसा आप लोग कर रहे हैं? इमाम हुसैन नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए थे। शहीद कैसे हो गए थे? लड़ाई हो गई थी। किससे लड़ाई हुई थी? जजीद से। जजीद कौन था? वो मतलब था मुसलमान कम्युनिटी था, लेकिन वो किसी बात लेके वो उसमें से दोनों भी हो गए। अच्छा। तो इमाम हुसैन क्या कर रहे थे? इमाम हुसैन लड़ाई जोहर के नमाज से करके असर का नमाज हो गया उसका। असर के टाइम में वो नमाज के टाइम मांगे, नमाज पढ़ना है, उन्होंने बोला टाइम नहीं देंगे, पानी मांगे, वो लोग पानी भी नहीं दिया, तो वजू करके नमाज पढ़ने गए, सजदे में वो मतलब नमाज का सजदा कर रहा था, उसी टाइम में जो है उनको मार दिया गया। उनका दोनों हाथ काटा गया। तो आज के दिन गम मनाना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए? गम मनाना चाहिए। तो आज देख रहे हैं आप लोग तजिया निकाल के लाठी भाला पर खेल रहे हैं, लोग नहीं मानते हैं, वो अपना कर रहे हैं। मतलब ये गलत है या सही है? मेरे परंपरा के हिसाब से ये तो नहीं बताता, इस्लाम नहीं बताता। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सही सही है, नहीं है सही, गलत है। आज के दिन गम मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग